दोस्तों, अगर इस पैड को आप एक बार डाउनलोड करेंगे, उस पर बजाएंगे ना, तो दोस्तों आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों इसमें खूबियाँ ऐसा है दोस्तों, इसमें सबसे कमाल का फीचर बताते हैं दोस्तों आपको सबसे पहले, जो कि इसमें आप दोस्तों अच्छे से शंख की आवाज़ आप निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मात्र एक बटन को दाबेंगे, बस शंख का आवाज़ निकलेगा, जो कि आपको हम निकाल के तुरंत दिखाते हैं। उसके बाद आगे का हम प्रोसेस और चीज़ हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर, और ये भी बताएंगे कैसे यहाँ पर शंख का आवाज़ निकला, कौन से सिस्टम पे यहाँ पर क्या कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टून है दोस्तों। आप डाउनलोड करेंगे दौड़ते दौड़ते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप हम बता दे रहे हैं ना कि आपको क्या कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड करेंगे यही सिलेक्ट कर लेंगे बज जाएगा। तो दस सबसे पहले हम आपको खूबियाँ इसकी दिखाते हैं, शंख का आवाज़ आप सुनिए, दो बार सुनाएंगे इसको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शंख का आवाज़ कैसे निकला। दोस्तों यही बटन को हमने दाबा है, प्रेस किया है, आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। ये वाले बॉक्स को हम देखो यहाँ पर, इसको हम कलर को चेंज करें ताकि आपको दिखे अच्छे से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर ये बटन को प्रेस किया है, इसको प्रेस किया है ताकि इसी पे शंख का आवाज़ निकला है। देखो अभी ये लाल हो जाएगा, मतलब इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या खूब का शंख आवाज निकला है दोस्तों, ऑर्गन ऑर्गन पियानो रोलैंड XPS 10 में जो कि निकलता है दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल में शंख की आवाज़ निकल रहा है दोस्तों। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल है इसका नाम है दोस्तों, क्या है इस ऐप, इस पैड का नाम क्या है दोस्तों, इसको आप जान लीजिए पहले, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है पैड प्रो, ठीक है, PADPRO, ठीक है, पैड प्रो है इसका नाम, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना आप दोस्तों। उसका दोस्तों यहाँ पर बताते रहे दोस्तों, यहाँ पर जैसे देखिए ये बटन है, यहाँ पर देखिए ये है 1 2, इसको जब दाबेंगे तो यहाँ पर टून चेंजेस होंगे, यहाँ पर दाबेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दाबेंगे तो टून चेंजेस होंगे, यहाँ पर दाबेंगे तो आगे, यहाँ पर पीछे, हम कम से कम 15-20 टोन इसमें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो इसको बदल दिए यहाँ पर टिक कर करके, तो देखिए यहाँ पर दूसरा निकलने लगा, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख रहा है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आप जैसे यहाँ से आगे पीछे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का जो है नाम सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको शंख वाली आवाज़ जो निकालना है उस पर, ठीक है, Beira 2 है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए ऊपर लिखा है Beira 2 करके लिखा है, वहीं पर आपको जब लिख देगा Beira 2 तो समझ लीजिए आपका शंख वाला इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम दाबेंगे यहाँ की 5 वाली बटन, तो शंख की आवाज़ निकल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट करके देख रहे हैं, यह पंजाबी का है, ठीक है, पंजाबी का है, ठीक है, पंजाबी का है। दोस्तों यहाँ पर भांगड़े का भी निकाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर और बैक करते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट करके दूसरा दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे टून हैं दोस्तों, आप अपने अनुसार आप सेट करके आप इसको बजा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खास बात इसमें जो थी शंख वाली थी, जो कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर जा देते हैं, आपको हम शंख वाला दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर Beira 2 जब आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर Beira 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपको यहाँ पर देखिए जब Beira 2 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहीं से आपका समझ लो कि आपका शंख वाला इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट हो गया, आपको यहीं पर क्लिक करना है, आपको इसी वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका शंख की आवाज़ निकलेगा जैसे कि आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है सच में तो वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और उसे आप देखें सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों, लव यू।